Hello everyone, I hope you all are doing well. Guys, today we are going to the barbecue company and वहाँ जाके मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिएक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि मैं वहाँ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. इससे पहले मैं कभी नहीं गई, तो लेट्स सी गाइस हाउ इट गोज. सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टर्स में गोलगप्पा ऑर्डर किया, उसके साथ हम लोगों ने दही पापड़ी, मसाला कॉर्न, मोमोज, पिज़्ज़ा, ये सब ऑर्डर किया. एंड टू बी ऑनेस्ट, गोलगप्पा मुझे 7/10 लगा, बाकी चीज़ें मुझे 8/10 लगी, एंड दही पापड़ी वर अमेजिंग. उसके बाद हम लोगों ने बारबेक्यू ऑर्डर किया, जिसमें मशरूम, पनीर चाप और पाइनएप्पल भी थे. पाइनएप्पल मुझे कुछ खास नहीं लगा गाइस, टू बी ऑनेस्ट, बट मे बी आप लोगों को अच्छा लगे. मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा था पाइनएप्पल वाला. उसके अलावा मुझे मशरूम का बेस्ट लगा, और पनीर बहुत ओके लगा मुझे, और चाप भी काफ़ी ओकेश था. उसके अलावा पाइनएप्पल था, मे बी आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, बट मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. तो गाइस, अगर आप जाते हो तो ये ज़रूर ट्राई करना. और फिर हम लोग बुफे पे गए, जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शंस थे. उसके साथ सैलड्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे. जिन लोगों को सैलड पसंद है, फॉर मी आई लव सैलड्स. उसके बाद हम लोगों ने वेज ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, जिसमें बहुत सारे चीज़ें थी. नूडल्स भी था, फ्राइड राइस भी था, काफ़ी चीज़ें थी. और अगर गाइज आप लोग कभी भी जाते हो वहाँ पे, आई वुड से कि एक बार जाके पक्का ट्राई करो, और वहाँ जाओ, सब कुछ ट्राई करो. उनका डेजर्ट और उनका वेज ऑप्शन, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, जो कि बहुत टेस्टी थी. उनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स थे. उसके बाद वी हैड सम इंडियन डेजर्ट, जिसमें गुलाब जामुन, मालपुआ और मूंग दाल का हलवा था. उसके बाद सम पेस्ट्रीज एंड सम वेस्टर्न डेजर्ट्स वी ट्राइड. एट द एंड वी सेलिब्रेटेड माई पोस्ट बर्थडे, बिकॉज एक केक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो हमने एक ही केक ऑर्डर किया था. ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. ऑल्सो इट्स अ गुड प्लेस टू सेलिब्रेट योर बर्थडे एनिवर्सरी. यू कैन ऑलवेज गो देयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैव अ गुड टाइम.